तो हमें फलों का ठेका ठेला लगाया करता था। हमको तो लगता है वो दुई नंबर का धंधा करता है। अच्छा भी ना ही बोलिया हमरे जीजा के बारे में, वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती हैं, खुद ही तो इतने कंजूस हैं। हाँ चुप रहो, बहुत बोल रही हो। अम्मा जी का काल है। अरे यार मत उठाना, फालतू में तुम्हारा रात को नया तोता पलवा देंगी। दिया कैसा बात करते, अगर उनका काल ना ही उठाए ना तो आपका धुलाई हो जाएगा। अरे यार तुम भी ना, ठीक है उठा लो, लेकिन हमसे बात मत करवाना। हाँ हम जरा बाहर टहलने जा रहे हैं, गैस बन रही है। ठीक पा। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं जी। लेकिन वो तो बताइए, जेवर चुराएंगे कहाँ से? अभी तो तुम अपने दिमाग पे जोर डाल के सोचो क्या करना है, हम रखते हैं। अम्मा जी कुछ सोचते हैं, और कुछ सूझेगा तो आपको कॉल करके बताते हैं, ठीक पा? हाँ। चोरी करना पड़ेगा। वो कौन था कॉलेज में जिसके चेहरे पे हमेशा वो रिक्वेस्ट का भाव रहता था? अनुप कुमार। वो क्या है ना कि इसके पापा ना शादी से पहले कुछ ज्यादा ही उतावले हो गए थे, इसलिए बस ये। और ये देख उसका नालायक बेटा, शादी को 10 साल हो गए, एक बच्चा तक पैदा नहीं हुआ अब तक। ओह मम्मी जी, वो तो हम प्लान कर रहे हैं। साइट अंडर कंस्ट्रक्शन। तो जब साइट पूरी हो जाए ना तो मुझे बता देना, दे दूंगी हार मैं ये। ये अपने इस हार को बहुत प्यार करती हैं, ये तुम्हें हार किसी भी कीमत पर नहीं देंगी। लिखवा लो। लेके रहूंगी, ऐसे कैसे नहीं देंगी? नहीं देंगी तो चुरा लूंगी, मेरा हक है। का जो टॉनिक है उसके दो दो ढक्कन दिन में 3 बार ले लेते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, लाइफ सेट रहती है। क्या बोले भाभी जी, कैसी हैं आप? बहुत उदास लग रही हैं। There's something wrong, I guess. अब नहीं, हम तो बिल्कुल भी उदास नहीं हैं। मैंने कहा भाभी जी, ये बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। बड़े बदतमीज हो गए लौंडे कॉलोनी के, मैं लप्पड़ मारूंगा बदतमीज। हाँ भाभी जी, कुछ आप उदास ही लग रही हैं, क्या हुआ बताइए ना। बोले ना कुछ ना ही है। बताइए ना भाभी जी, प्लीज मुझसे क्या छुपा रहे हैं, बताइए ना। बोल तो रहे हैं, काहे पीछे पड़े हैं, कुछ भी ना ही है। अरे हुआ क्या अंगूरी जी, कल रात को ना मम्मी जी मुझे एक हार दिखा रही थी, कह रही थी कि ये मेरा खानदानी हार है, मेरी सास ने मुझे दिया है। तो क्या, मैंने भी झट से बोल दिया कि आपकी सास ने आपको दिया है तो आप भी अपनी बहू यानी कि मुझे दे दीजिए। तो इस बात पे बहस करने लग गई। मुझे तो पूरा शक है कि वो हार नकली है, तभी नहीं दे रही है मुझे। हाँ। चलिए खैर, मेरे को चाय देनी है, बाय। नकली हार, हम ही कोई चुरा लेते हैं। आप अपने जीवर खेतों में दबा देती हैं? बेटा आजकल वो जमाना का है, आजकल तो सब तिजोरी में ही रखते हैं ना। हाँ, लेकिन आपके ऊ वाले घर में होगी ना वो तिजोरी? तो नहीं नहीं बेटा, यहाँ भी तिजोरी है। हम ना चोरों की आंख में ऐसी धूल झोंकते हैं क्योंकि वो तो जाएंगे ही सीधा तिजोरी के पास, तो पलंग के नीचे जो हमारा बैग है ना उसमें छुपा कर रखते हैं। इका मतबल आंटी जी इहार को बैग में रखती हैं। अच्छा आंटी जी, हम चलते हैं। अरे बेटा चाय वाय तो पी जाती। रुकाओ, गुरु गुरु होता है। हाँ। अब मेरा गुरु है, उसने 7 मर्डर किए और 3 बड़े बड़े घोटाले किए, लेकिन आज भी मैं अपने गुरु का सम्मान करता हूँ। तो भैया फिर क्या दे? ए गुरु गुरु हो जाओ शुरू, गुरु गुरु हो जाओ शुरू, प्यार में डूब जाओ गुरु। I like it.
क्या बात है पगली, किस सोच में गुम हो? कुछ नहीं लेटू की भैया, बस ऐसे ही बैठे हैं। ऐसी काहे बैठी हो? चलो ना पगली, कुछ करते हैं। क्या करते हैं? तनिक रोमांस करते हैं। दिया कसम से आज तो अपना काम कर दिया, अब जाकर हम अपना काम करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। आज रात के बाद एक चोर निकलता। भाभी जी मम्मी का हार चुरा रही है। This is unbelievable. भाभी जी चोर नहीं है। She is a jewel thief. Thief of Baghdad. मजबूरी थी जिसने भाभी जी को चोरी करने के लिए मजबूर कर God, I'm so devastated. मुझे देखकर चीखी क्यों? मैं क्या चुड़ैल दिखती हूँ? अरे मम्मी जी आप अचानक आ गई किचन में, अब मैं डर गई। डर गई? बड़ी डरपोक है तुम। अच्छा आप ये किचन में क्या कर रही हैं इतनी रात में? अरे बर्तन गिरने की आवाज आई तो मुझे लगा कि शायद किचन में कोई भूरी बिल्ली घुस आई है। वैसे मेरा अंदाजा ठीक ही था। बड़ी अजीब है, जब देखो तब झगड़ा करने का भूत सवार होता है इनके सर पे। का लक्षण है? सिम्टम्स ये है कि आदमी के दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं और मारने पीटने का दिल करता है, चोरी करने का दिल करता है। अच्छा आ, लेकिन कोनो फिकर का बात ना है, हमको तो ऐसा कुछ ना है। भाभी जी फिर भी अगर आपको बीमारी हो जाए और आपका दिल करे चोरी करने का तो मैं अपने घर की सारी तिजोरियां खोल दूंगा आपके लिए। का फायदा, हम तो तिजोरी खोल चुके हैं। कुछ नहीं काहे, अब चलिए अब हम चलते हैं। हाँ भरभूति जी बाय बाय। भाभी जी हाँ अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ ठीक बा, हाँ बाय बाय। कैसे लगा सकती हैं? मैं सच कह रही हूँ, वो हार इसी ने चुराया, मेरे पीछे पड़ी रहती थी वो हार हथियाने के लिए। गलत बात, तुम क्यों पीछे पड़ी थी मम्मी के उस हार को हथियाने के लिए? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैं नजर नहीं डाल रही थी, मैं तो आजमा रही थी कि मम्मी जी का दिल कितना बड़ा है। वो इम्तिहान ले रही थी आपका। अच्छा ये कौन सी मास्टरनी हो गई है जो मेरा इम्तिहान ले रही थी? हार इसी ने चुराया है। मैंने हार नहीं चुराया है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ वो हार तू नहीं चुराया, मैंने तुझे कल रात नीचे देखा था। अरे मम्मी जी वो मैं पानी पीने आई थी। पानी वानी कुछ पीने नहीं आई थी, हार चुराने आई थी तू। यार मालकी मैं नहीं ले रहा हूँ भाई, मालकी तुम्हारी मम्मी ने मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाया, मुझे चोरनी का नाम दिया, चोरनी का, तुम इस बात को हल्के में ले रहे हो? यार मैं हल्के में, why don't you? Oh God, तुम यार अगर मम्मी ने कुछ कहा है तो सोच समझ कर कहा होगा ना यार, प्लीज तुम मेरी बात समझने की कोशिश कर। समझने के लिए रह क्या गया है बेबू? I'm hurt. कौन खोल कर सुन लो
कह दो अपनी मम्मी से मैंने हार नहीं चुराया, नहीं चुराया, नहीं चुराया। I'm sorry, Anu. I hope कि तुमने हार नहीं चुराया हो, लेकिन जिसने हार चुराया है मेरा इश्क है और वो मासूम है और मैं उसे बदनाम नहीं होने दूंगा। दर्ज करवा देते लेकिन पुलिस क्यों? Why? क्योंकि पुलिस चोर और हार दोनों को ढूंढ निकालेगी। मॉम इतिहास गवाह है कि आज तक मिश्रा निवास की चौखट पर पुलिस ने कदम नहीं रखा है। ओ फालतू की बातें मत कर दू। वो अप्पू सिंह रोज यहाँ बैठकर चाय पीता है। मॉम वो दोस्ताना हैसियत से आता है, पुलिसियाना हैसियत से नहीं आता। तो ठीक है फिर, आज वो पुलिसियाना हैसियत से ही आएगा। यार मम्मी तो पुलिस बुलाने पे तुली हुई है और अगर पुलिस आ गई तो भाभी जी फंस जाएंगी और मैं ऐसा होने दूंगा नहीं। पुलिस बुलाना सुन काहे बैठ गया। क्या बात विभूति जी, आंटी पुलिस बुला लेगी? अबे ये तो वही हार है जिसकी वजह से विभूति जी के घर में बवाल मचा हुआ। इसका मतलब है कि ये हार अंगूरी ने चुराया। भाभी जी हमारे बारे में क्या सोचेंगे यार, हम तुमसे नजरें तक ना मिला पाएंगे। नहीं नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ये हार वहीं रख के आएंगे। मैं जाला साफ कर रहा था ऊपर से। अच्छा या, या, या। गुइया को या, तुमने सोचो फिर तुम्हें तो नहीं हाथ साफ कर दो। क्या बेवड़ा बात कर रहे हैं आप? मैं अपनी मॉम का हार चुराऊंगा? Am I so cheap like you? तुम पे तो खैर छोड़ो, बाद में बताएंगे। तुम सुनो, छानबीन के बाद सब पता तो चल जाएगा। अबे ज्यादा ज्ञान ना पी लो। गोरी मैम आपको हमारी कसम है, आप चिंता बिल्कुल ना करियो, हम हैं। अरे मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तो कहती हूँ डाल दो मुझे जेल में। ऐसो कैसे कह रहे हैं गोरी मैम, आप बैगी बैगी बातें कर रही है, आपको जेल में मतलब? ना ना। तो के स्टाइल में, भौंकने वाले स्टाइल में जो हंसना शुरू किया, मेरे गुरुजी नाराज हो गए मुझसे। अच्छा गुरुजी से बातें कर रहे थे तो क्या हम तीनों नाचे यूं करके? अरे तुम्हारे गुरुजी गए घुइया के खेत में। लंडो देखो मैं तुम लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरे गुरु का अपमान मत करो। सक्सेना भैया एक मिनट, जा आदमी को आप गुरु बोल रहे है ना, वो एक नंबर को फॉरवर्ड है। आती रहेंगी बहारे, जाती रहेंगी बहारे। I don't like it. मतलब? मतलब ये दरोगा जी कि आप गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं। आपका मुजरिम इनमें से कोई भी नहीं है जिन पर आप डाउट कर रहे हैं। मैं तो किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ भैया टिल्लू टीका और मलखान की। ओह सही। कब बात कर रहे हैं तुम सक्सेना? जी हाँ। तुम कहना चाह रहे हो कि जी जो मोहल्ला के सारे इतनी लबंडा टीका मलखान टिल्लू इनने चोरी करी? जी हाँ, इन तीनों को मैंने अपनी आंखों से अनीता भाभी माँ के घर में घुसते हुए देखा। बिल्कुल बिल्कुल याद आया दरोगा जी, हमने खुद जो है उन तीनों को भाभू जी के यहाँ घुसते हुए देखा था। फालतू में इतना घुस रहे हैं, आपको इतना घुसने की जरूरत नहीं है। जब मैंने आपको कहा कि मैंने अपनी इन नंगी आंखों से उन तीनों लौंडों को अनीता भाई माँ के घर में घुसते हुए देखा, तो आप जाइए और गिरफ्तार कीजिए ना उन तीनों को। जाइए, वाकई सही बोल रहे सक्सेना जी। मकवाना जी सर, जो सक्सेना बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, वो तीनों मन को बिल्कुल घसीटते हुए हमारी आंखों के सामने पेश करो। बिल्कुल सर, उठा था बूढ़ा, चल। सर जी बड़ा भारी है। भारी के तो सारे, तू भी तो भारी है, हम उठाएंगे कब? सर जी ड्राइव भी तो करना। वेल डन। आई लाइक इट।
गरम गरम सरिया आपकी कहा है? इतने जो केस चल रहा हो ना, तू सारे पुराने यादन में घुस जा, सब बता दे, पूरी फुल स्टोरी बता दिए थे। अब है कि केस में ध्यान ना दइए। मकवान अंकल जी, ये तो बताओ गरम सरिये का क्या करो तो आपने? क्या करो तो बताए मनोहर बेटा, तीन डइये सरिया गरम करवा। गरम सरिया, I like it. Yeah, है ना बात? कच्चा बनियान इतनी रात को कहाँ जा रहा है? अबे, ये तो यहाँ आ रहा है बे। आदमी तो आपकी जान का दुश्मन बना हुआ है। ये हार ला के मेरे घर में रख गया था वापस, लेकिन वही हार मैं वापस ले आया हूँ, आपके तिजोरी में रख दूंगा। अभी जी, मैं आपका बाल भी बाका नहीं होने दूंगा, बिकॉज आई यू मेरे। दिस इज वेरी अनफेयर। विभू, मैं उस संदर्भ में नहीं कह रही हूँ। मम्मी, ये उस संदर्भ में कह ही नहीं रही है। तो किस संदर्भ में कहा था? तो फिर किस संदर्भ में कह रही है? विभू, अभी मम्मी जी कह रही थी ना कि हार की वजह से मेरे मुंह में एक निवाला भी अंदर नहीं जा रहा है। मैं ये कह रही थी कि 8-10 समोसे तो अंदर गए। अरे तू कौन सा गुनाह कर दिया? फांसी पे चढ़ाएगी मुझे? तुम क्या फांसी पे चढ़ाओगी मम्मी को? समोसे खा लिए इसलिए? विभू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बोल देते हो। क्या तुमने मुझे जल्लाद समझ के रखा है? मम्मी, ये कोई जल्लाद है क्या जो आपको फांसी पे चढ़ाएगी? दिस इज नॉट फेयर। तू चुप हो जा। भाभी जी घर पर हैं? अभी तक तो घर पर ही हैं। ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं घर पर रहेंगी या नहीं। नहीं है। भाभी जी, ये अरे मुझे पैर में खुजली हो रही है। तो एक काम करो, लस्सी ले आओ। लस्सी? लस्सी पियेंगे तो सर्दी ना ही हो जाएगा ही मौसम में। तो दूध ले आओ। दूध? दूध से भी तो गैस होता है। तो जहर ले आओ। क्या बोल रहे हैं? तुम भी तो कभी कभी हमारा दिमाग खराब करके रख देती हो। जाओ हल्दी वाला दूध ले आओ। हल्दी वाला जाओ लाते। हाँ शांत जाओ। अल्लाह टिके भैया। अच्छा, अब पता चल जाएगा हार किसने चुराया है।
चलिए अब दूसरी प्रक्रिया शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी मंत्र बोलिए। ठीक है। जय बाबा लखड़नाथ की चंडाल चौकड़ी बाबा की खोपड़ी। जय बाबा लखड़नाथ की चंडाल चौकड़ी बाबा की खोपड़ी। ढीका सिका ढीका सिका हुर हुर हुर। ढीका सिका हुर हुर। बस हे भगवान। आंटी जी प्रक्रिया पूरी हो गई। अच्छा बस अब आप देखिएगा जिसने भी वो हार चुराया है ना उसे उल्टियां शुरू हो जाएंगी। अंधविश्वास। सर हम जैन सर जैन जो बताएं ससुरन ने अपनो जुर्म कबूलो के ना कबूलो। नहीं सर जी अभी तक कुछ नहीं। बड़े काम कर ना सारन के कुत्तन जैसे घसीट के ले जाए झकर कटी की झाड़ियन में और होते ही ठोंक दे। दरोगा जी दरोगा जी दरोगा जी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे मैं इन लौंडों की जमानत ले रहा हूँ। अरे यार क्या आदमी है जाने तो हमें फंसवाए तो। यार मेरा दिमाग भी नोट हो रही है ये आदमी हमारी जमानत भी ले रही है। आ गए। सुनो भैया हमें समझ में ना आ रहा हो कि हम आपका धन्यवाद करें या गाली दें आपको। लौंडे एडवोकेट अनोखे लाल सक्सेना को धन्यवाद दे और सक्सेना को गाली दे। साले भुतनी के सक्सेना कसम खा के कह रही हूँ तेरे लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे भुतनी के। माई बाप एडवोकेट सक्सेना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम तीनों को रिहा करा दिया। अरे ओ दादा आई दिया ये हार तो यहाँ है यहाँ कैसे आ गया। हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी। हेलो आंटी जी। देख ऐसा है कि तू ना मुझे आंटी जी मत कहा कर दीदी बोल दिया कर। मॉम प्लीज बी मोर रियलिस्टिक यू क्रॉस दैट एज राइट। चुप रहे। हप्पू सिंह जी फांसी पर चढ़ा दीजिए मुझे। अगर मैं गुनेगार हूँ तो लटका दीजिए मुझे फांसी के फंदे पर। लेकिन अगर ये झूठ निकला तो मैं कुछ लोगों पर 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करूंगी। चोरी का दोष मिट जाता है ना बिटिया इसलिए तुमको फिर से चुराना होगा। ठीक बा अम्मा जी अनीता जी के यहाँ से वो हार फिर से चुरा लेते हैं। ठीक है बहुरिया देखो हमको बहुत ही बुरा लग रहा है कि हम तुमको बुरा काम करने के लिए कह रहे हैं। अब क्या करें ये काम तो हम ही कर देते बिटिया लेकिन पंडित रामफल जो है वो कहें कि तुमको ही करना पड़ेगा। सवाल तुम्हारी जान का है ना बिटिया। ठीक है अम्मा जी आप तान से ना ही लीजिए। हाँ ये उपाय हम ही करेंगे। ठीक बा हाँ हाँ प्रणाम करे हैं। हाँ खुश रहो खुश रहो। अरे ये आटा किसने फेंक के मारा भाई। हे प्रभु आप तो माखन चोर हैं। दरोगा जी आप जानना नहीं चाहेंगे कि अनीता भाई माँ के घर में वो हार कौन फेंक कर गया था। कौन फेंक के भागू तू। ये है अपने टिल्लू टीका और मलखान। क्या बात कर रहे तुम टीका टिल्लू टीका मलखान। जी हाँ दरोगा जी आप जानते हैं कि मैं जो भी बोलता हूँ अपनी आंखों से देख कर बोलता हूँ और मैंने अपनी नंगी आंखों से उन तीनों को अनीता भाभी माँ के घर में उस हार को फेंकते हुए देखा था। अरे मकवान है फिर चलो सीधे थाना आपका धरो फिर कहीं। अबे मकवाना आई लाइक इट। बहुत चढ़ा रखी थी शी वाज ड्रंक। नहीं नहीं और किससे मत सुना मुझे ऐसे ऐसे खानदान के किस्से में सुनूंगी ना तो मेरा तो सर चकरा जाएगा। चलियो ऐसे ऐसे मेरे खानदान के किस्से कहानियां हैं तुम सुनोगी ना बेहोश हो जाओगी। एक बार क्या हुआ डैड और चाचा ना बाथरूम में नहा रहे थे। अब कहाँ चले आप। मम्मी को पानी देके आता। वही बंद जाना उनके पल्लू से वापस मत आना।
भाभी जी फिर आइएगा, आप जब भी आती हैं तो बत्ती ऐसी पवित्र खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। आप कितनी पवित्र हैं। कौन से डंडन का डर दिखा रहे हैं आप? जा शरीर ने ना बहुत डंडे खाए है गए। बेटा डंडा तो बहुत झेले होंगे तूने, लेकिन अंडा कब ना झेले होंगे? हैं? अंडा ना खाए होंगे, क्या कहना चाह रहे हो तुम? क्या कहना चाह रहे हो? अबे बता रही, साक्षात प्रदर्शन। सुन मकवाना जी, एक काम करियो, शुतुरमुर्ग के दर्जनन अंडा मंगवाओ और इन सारन के तीनों के तीनों को घुसेड़ दियो। शुतुरमुर्ग के अंडे, आई लाइक इट। चाहती है इससे? बस यही साबित करना चाहती हूँ कि मैं झूठी हूँ, मैं चोरनी हूँ, और आप राजा हरिश्चंद्र की भतीजी हैं, आप महान हैं। मुंह से तो महान बोल रही है, लेकिन तेरी अंतरात्मा मुझे गाली दे रही है ना? ओहो सॉरी मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई, आप तो बहुत बड़ी दूरदर्शी भी हैं। देख कचेड़ू, देख ले तू, तेरी बीवी मुझ पर व्यंग के बाण चला रही है। मम्मी प्लीज टेक अ चिल पिल, शांत हो जाओ फॉर गॉड्स सेक्स। ओके अनु प्लीज तुम भी शांत हो जाओ, जस्ट टेक इट इजी। बो मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। जिस घर पर मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाया जाए, उस घर में मैं एक पल भी नहीं रह सकती, इल्जाम लगा ही नहीं सकती है। मेरा तो दिमाग खराब है ना। मम्मी जी हम आपसे भीख मांग रहे हैं, एक बार जाके देख के तो आइए प्लीज। चल ठीक है, आप खड़ा होकर भीख मांग रहे हैं तो देख ही लेती हूँ जाकर। जी जी वो छोड़ो ना ये सब, मैं जा रही हूँ। नहीं भाभी जी, नहीं नहीं जाएंगे, हमें लाश पे से होके गुजरना पड़ेगा। तिवारी जी मेलो ड्रामा करने की क्या जरूरत है, मैं गुजर जाती हूँ। बेबी क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो बेबी, वो आदमी पड़ा हुआ नीचे, तुम गुजर रही हो उसके ऊपर। लड़े रहिए आप। भाभी जी चिंता काहे कर रही हैं, मम्मी जी गई है ना, देखिए अपने हाथ में हार लेके आएंगी, चिंता मत कीजिए। टुके भैया, अरे टुके भैया। देख लिया मम्मी जी, साबित हो गया ना, चोरी मैंने नहीं की, हार मैंने नहीं चुराया। अब बताइए क्या कहा था आपने, अब घर से कौन जाएगा? तू मुझे घर से भगा देगी? मैं आपको कभी घर से भगा सकती हूँ? ये लीजिए अपना हार। तू रख ले, तेरा है, तेरे लिए लाई थी ये मैं। Really? मेरे बात तो तेरा ही है ना, ये है ना? She's so sweet and I'm new. My God, my mom is so sweet, yeah. अबे रोक ले उनको, वरना जहां से अंडे निकलेंगे ना वहीं से कुछ घुसेड़ दूंगा। अरे दादा मकवाना, इन तीनों मन ने अंडा निकलो। जी सर निकलो। तो बाकी बात कछु उगलो? नहीं उगलो। दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, सुनिए मेरी बात,
आप इन लौंडों से कुछ भी नहीं उगलवा सकते क्योंकि मैं इनकी जमानत ले रहा हूँ। और काफूर हो गई हमारी तन्हाई। डैडू पुत्तन भैया ने जम के की पिटाई। जब जब चली पुरवाई तुमने हमारी की सिकाई। जोड़ के इश्क के सिक्के पाई पाई, अग्नि को साक्षी मान, घर की लक्ष्मी बन के आई और हमने अपनी दुनिया बसाई। अंगूरी प्रियतमा, विल यू बी माई वैलेंटाइन? लेटू की भैया, यू आर माई सनशाइन।